नमस्कार, आदाब। मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज का पहला रोजा कैसा रहा, हम आपको मुमरा कौसा की कुछ झलकियां दिखा रहे हैं। जगह जगह नाकाबंदी लगाई गई थी। मुमरा पुलिस स्टेशन, संजय नगर, अमृत नगर, कौसा मुमरा बाईपास पर तैनात पुलिसकर्मी और उसके बीच ठाणे महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी और TMC के अधिकारी तैनात रहे और साथ में उनकी टीम जो है TMC के अधिकारी तैनात रहे। इस बीच कई लोगों की शिकायत भी आई, समय से पहले दुकानदारों की दुकानें बंद कराई गई। लेकिन यहां पर सवाल भी खड़ा होता है, आखिर लॉकडाउन 3 मई तक पूरा देश है और इस कानून का पालन लोग कर रहे हैं। और इस बीच ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी ने मीटिंग किया और लेटर भी दिया। हालांकि ये कई बार मीटिंग कर चुके हैं, कई बार लेटर दे चुके हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर चलाई भी गई, खबरें भी चली। रात 3 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के दरमियान दुकानें खुली रहीं, यानी ज़रूरत की सामान आप खरीद सकते हैं। उसके बावजूद SRPF की टीम ने दुकानें बंद कराई, जबकि ठाणे महानगर पालिका टाइम टेबल बनाती है और लिखित में पत्र भी देती है, फिर उस पर अमल क्यों नहीं होता। जो हाल मुमरा में रहा, वही हाल दीवा प्रभाग समिति के हद में सिबली नगर, भोलेनाथ नगर में रही है। उनका भी कहना था, पुलिस वालों ने हमें दुकान बंद कराने की आदेश दिए हैं, हमें कहा है दुकान बंद करिए, क्योंकि जो टाइम टेबल रमज़ान महीने को देखते हुए लोगों ने दिया है, TMC अधिकारियों ने फाइनल किया है, वो सिर्फ मुमरा प्रभाग समिति का है, ना कि दीवा की। बहरहाल इस तरह की लोगों की शिकायत मिलते ही दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सुनील मोरे से संपर्क किया फोन पर। उन्होंने कहा जोन एक है, डिप्टी कमिश्नर एक है और जो है उनके अंडर में कई जो है प्रभाग समिति आती हैं। जो डिसीजन लिया गया है मुमरा में, वही टाइम टेबल दीवा प्रभाग समिति में भी होगा और उस इलाके में होगा जिन इलाकों में मुस्लिम तबके के लोग रहते हैं। और यही नहीं, डायघर पुलिस से भी बात की थी सुनील मोरे ने, जिसके बाद लोगों ने अपनी अपनी आखिरकार दुकानें खोली। नगर सेवक सानू पठान ने टाइम टेबल को लेकर क्या कहा है, उनको किस तरह से शिकायत मिली थी और उन्होंने फिलहाल प्रहार टाइम से क्या कहा है, आप सुनिए। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो टाइम दिया है, आज पहले दिन ही लोगों की शिकायत आ गई है, मुझे फोन सुबह से आ रहे कि हमको मार्केट नहीं खोलने दिया जा रहा, हमको 7 बजे दुकानें बंद करने बोली जा रही। तो महानगर पालिका को मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ये सब मत करिए, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि इनका सवाल करने वाला मुमरा में कौसा में कोई नहीं है, तो ये आप गलतफहमी में। मुमरा को पहली ही महासभा, पहली स्टैंडिंग होगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आप काम अच्छा कर रहे हो, आपकी सख्ती होना चाहिए, लेकिन जो आपने ऑर्डर इशू किया है उसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और आके बोलने में आसान बात है, उसको ज़मीन पे भी अमल होना चाहिए। ऑर्डर आपने दिया है, लोगों को टाइम पे आ रहे, उनको मार्केटों को बंद ना कराया जाए। तो आपने सुना सानू पठान ने क्या कहा, बहुत लोगों ने जो शिकायत की थी, पुलिस दुकानदारों पर लाठियां बरसाकर दुकानें मुमरा में बंद कराया। तो पुलिस का कहना है कि जो दुकानदार सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। बहरहाल सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा। आज मुमरा कौसा में नाकाबंदी के दौरान कई लोगों को वापस किया गया जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। तो हमने आपको जो तस्वीरें दिखाया है मुमरा का, किस तरह से अधिकारी दौरा कर रहे हैं, किस तरह से पुलिस जो है दौरा कर रही है, किस तरह से पुलिस नाकाबंदी पे जो है तैनात है, इसी तरह से ये तस्वीर है। यह आज का पहला रमजान का महीना जो है शुरुआती पहला दिन और पहले दिन का ये असर रहा है कि लोग जो है इस कानून का पालन किए हैं और लोग सड़कों पर नहीं आए हैं। खास करके इसकी वजह यही रही है कि 3 बजे से 12 बजे की जो टाइमिंग दिया गया था और इसी तरह से हर रोज जो टाइमिंग दिया जाएगा तो शायद इससे सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम खत्म होगा और जो लोग जो है डर कर सहम कर जो अचानक में निकलते हैं, जैसा कि जो पिछले दिनों शुक्रवार, संडे और एक दिन का डिसाइड किया गया था, मतलब 3 दिन हफ्ते में खुलेंगे, शायद यही वो वजह रही है जिसके चलते लोग जो है सामान खरीदी करने के लिए, सब्जियां, भाजी जो भी है वो खरीदने के लिए जो है टूट पड़ती थी, निकल पड़ती थी। लेकिन आज रमज़ान का पहला दिन और ऐसे में सड़कों पर जो है पुलिस तैनात थी और इस बीच जो है लोग जो है पुलिस का खौफ दिखा है लोगों को और यही वजह रही है कि लोग सड़कों पर आज नहीं निकले। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।